हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी पार्टी वियर टॉप कैसे बनाएं गर्ल्स के लिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो देखिए, हमने ये प्लेन कपड़ा लिया है। तो देखिए, इस तरह से हमारा ब्लू कलर का कपड़ा है और इसका जो कपड़ा है वो भी बहुत सॉफ्ट कपड़ा है। तो देखिए इस तरह से, और इसमें हम टॉप बनाएंगे बहुत ही सुंदर गर्ल्स के लिए। और देखिए हमारा ये 1 मीटर कपड़ा है। तो देखिए, हमने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए नीचे से लेंगे हम, तो पहले हम पट्टी कट कर लेते हैं इसकी। तो इसकी जो पट्टी कट करेंगे वो हम 8 इंच पे कट करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं आपको पट्टी की चौड़ाई बता देती हूँ। और फिर हम लेंगे एक पट्टी 10 इंच की। तो देखिए, जो मैं 8 वाली ली है वो हमारी 7 इंच की तैयार में होगी, और जो मैं 10 वाली ली है वो 9 इंच की तैयार में होगी। देखिए इस तरह से अब हम ऊपर का पार्ट लेंगे इसमें। तो इसकी जो लंबाई लेंगे ऊपर का वो हम 8 इंच की लेंगे। तो ये भी हमारा 7 इंच की तैयार में आएगी। इस तरह से अब हम इसकी चौड़ाई बता देती हूँ मैं आपको। तो देखिए, जो हमने पीछे की पट्टी ली है इसकी जो चौड़ाई ली हमने वो 19 इंच ली है डबल फोल्ड में। तो अब इसे पहले हम फोल्ड कर लेते, इसे भी कट कर लेते पहले हम। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए, इसको फोल्ड कर लेते हैं हम। देखिए इसकी हमने चौड़ाई थोड़ी ज्यादा ली है। तो देखिए इसकी चौड़ाई है वो हमारी 24.5 इंच है डबल फोल्ड में। देखिए इसे हम इस तरह से एक और फोल्ड कर लेते हैं 4 फोल्डिंग में। देखिए अब इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 8 इंच ही लेंगे। देखिए इस तरह से, और इसकी शोल्डर लेंगे वो हम 6 इंच लेंगे। आम गोल भी हम 6 इंच लेंगे। और देखिए ये हम 32 साइज बना रहे, तो हमने 8 इंच ले लिए। और इसमें हमारा मार्जिन भी देखिए 1.5 इंच है हमारे इसमें आराम से। और इसमें हम इस तरह से 1.5 इंच की गुलाई देते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए। अब इसका नेक कट करेंगे, नेक की चौड़ाई लेंगे वो हम 2.5 इंच लेंगे, और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 4 इंच लेंगे। फ्रंट और बैक हमारा सेम रहेगा। देखिए इस तरह से अब हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए अब हम स्लिप भी कट करेंगे इसी में से, जो हमारा ऊपर का बचा थोड़ा सा कपड़ा। इस तरह से हमने 4 फोल्डिंग कर लिया है। इसकी जो लंबाई लेंगे देखिए हमारा 12 इंच आ रहा है हमारा, तो हम 12 इंच लेंगे पूरा। और देखिए इसकी जो विड्थ लेंगे वो हमारी 8.5 इंच आ रही है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से हम 3 इंच में निशान लगा लेते हैं, इसे हम गुलाई देंगे। देखिए हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्लिप भी कट कर लिए। और देखिए अब हमारा ये थोड़ा सा कपड़ा बचा है, तो देखिए इसकी हम पट्टी कट कर लेते हैं। देखिए मैंने ये पट्टियां कट कर ली, उसकी जो बचा हुआ कपड़ा हमारा, जो इसकी जो लंबाई हमने 3.5 इंच ली है। तो देखिए इस तरह से हमारी पट्टी है, इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे बीच में से। देखिए नीचे मैंने ऊपर का, देखिए इस तरह से रखा ऊपर नेक, और ये हमारा सीधा वाला है। और देखिए ये हमने क्रॉस में पट्टी कट की थी 1.5 इंच चौड़ी, इसे हम इस तरह से ज्वाइंट कर लिए और इस तरह से फोल्ड करेंगे। और देखिए हमारा फ्रंट वाला है, तो हम इसे नीचे से लगाएंगे क्रॉस वाली पट्टी।
देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दिए। इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर और यहाँ पे नेक पे सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने फिनिशिंग दे दी। अब हम बैक साइड फिनिशिंग देंगे इसके। तो देखिए हमारा बैक साइड का हमने सीधा रखा है और इसे हम ऊपर से लेंगे पट्टी और अंदर फोल्ड करेंगे इसकी पट्टी हम। देखिए हमने बैक साइड फिनिशिंग दे दी है और ये हमारा फ्रंट वाला है। इस तरह रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे इसके दोनों। देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर ज्वाइंट कर लिए। अब स्लीव तैयार करेंगे इसकी हम। देखिए हमारी पट्टी छोटी थी, हमने ज्वाइंट कर ली बीच में से। अब देखिए नीचे की साइड हम फिनिशिंग देंगे इस तरह से फोल्ड करते हुए। देखिए हमने नीचे फिनिशिंग दे दी। अब इसमें हम फ्रिल डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने फ्रिल डाल दिए। सेम इसी तरह मैंने दूसरी पट्टी भी तैयार कर ली है। देखिए नीचे मैंने स्लीव सीधी रखी है, इसके ऊपर फ्रिल रखेंगे देखिए इस तरह से उल्टी और स्ट्रेट सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी। इसे इस तरह से पलटेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्लीव तैयार हो गई हमारी एक। इसी तरह हमने दूसरी स्लीव भी तैयार कर ली है। अब देखिए टॉप में अटैच करेंगे हम स्लीव्स को। तो इस तरह से नीचे हमारा टॉप सीधा है, ऊपर हमारी स्लीव उल्टी रखी जाएगी और यहाँ पिन से सेट कर लेते हैं सेंटर पार्ट में। देखिए हमने स्लीव ज्वाइंट कर लिए। सेम इसी तरह हम दूसरी साइड भी स्लीव ज्वाइंट कर लेते हैं। देखिए हमने दोनों स्लीव ज्वाइंट कर लिए। अब जो हमने नीचे पट्टी कट की थी उन्हें तैयार करेंगे हम। देखिए नीचे हमने टॉप रखा है सीधा इस तरह से और जो हमने बीच वाली पट्टी कट की थी वो हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो पट्टी में हम फ्रिल डालेंगे इस तरह से। तो देखिए हम बीच में प्लेट डालेंगे इसमें हम। देखिए इस तरह से अब हम नीचे पट्टी ज्वाइंट करेंगे इसमें। देखिए ये हमने सीधी रखी है, इसके ऊपर नीचे वाली पट्टी रखेंगे इस तरह से उल्टी, इसमें फ्रिल डालेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने ऊपर भी फ्रिल डाल दी और नीचे भी डाल दी। सेम इस तरह हम बैक साइड भी डाल लेते हैं। देखिए मैं फ्रंट में फ्रिल डाल दी और सेम इस तरह मैंने बैक साइड भी फ्रिल डाल दी और हमें नीचे फिनिशिंग दे दी दोनों साइड। देखिए इस तरह से अब इसमें हम फिटिंग का मार्क करेंगे और फिटिंग लगाएंगे इसमें हम अपने साइज के अनुसार। देखिए मैंने अपनी साइज के अनुसार फिटिंग मार्क कर लिया है, अब इसमें हम फिटिंग करेंगे।
देखिए हमने इस साइड सिलाई कर ली, सेम इसी तरह इस साइड भी सिलाई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने फिटिंग दे दी, तो हमारा पूरा टॉप तैयार हो गया है। देखिए हमने स्लीव्स भी ज्वाइंट कर लिए, नीचे में फ्रिल भी डाल दी, देख सकते हैं इस तरह से दोनों में। और देखिए हमने नेट पे फिनिशिंग दे दी, ये हमारा फ्रंट साइड का है। और देखिए हमारी चिन्हट भी आ गई है, नीचे भी चिन्हट है और नीचे हमने फिनिशिंग दे रखी इस तरह से। और देखिये ये हमारा बैक साइड का है, बैक साइड भी हमारा सेम देखिए इसी तरह। आप इस आसान तरीके से आप सुंदर सा टॉप बना सकते हैं। अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी।